सुप्रभात, मेरा नाम विधि राघव है। मैं कक्षा 9 सर की छात्रा हूँ। आज सभी के समक्ष आज जल संरक्षण दिवस पर मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जल एक श्वास की तरह होता है। जैसे कि हम श्वास के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते, ऐसे ही जल के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते हैं। जल हमारी धरती पर सीमित मात्रा में है। जब हमें प्यास लगती है तो फिर हम पानी पीते हैं, इससे हमारी प्यास बुझ जाती है और आधा पानी हम बिखेर देते हैं। इससे हम भूल जाते हैं कि जल हमारी धरती पर सीमित मात्रा पे है। अगर हम इसे ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे, इसका उपयोग ढंग से नहीं करेंगे, इसको बचाएंगे नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी धरती पर एक बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे, एक बूंद पानी के लिए युद्ध होगा और युद्ध से हरी भरी धरती बंजर बन जाएगी। इससे धरती में जो प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, इससे प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी। मतलब जल से कितनी सारी समस्या हो सकती है, जल से इतनी सारी समस्या हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं, भूखमरी और न जाने कितनी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर हमने इसे समय पर नहीं रोका, अगर हमने जल को नहीं बचाया, तो फिर ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम जल को बचाएं। अब जल को बचाने के उपाय क्या क्या हैं? पहला, बारिश के पानी को किसी बड़े बर्तन या किसी बड़े बाल्टी में संभाल के रखें, ताकि वो आगे काम आ सके। दूसरा, कार को आधी बाल्टी पानी से ही साफ करें और नहाते समय आधी बाल्टी या फिर एक बाल्टी का उपयोग करें, ना कि शावर का, इससे पानी कम खर्च होगा। तीसरा, फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स या फिर बर्तन धोने के लिए डायरेक्ट नल के नीचे ना रखें, उसको एक बड़ी सी बाल्टी या फिर बड़े से भगोने में संभाल के रखें, उससे पानी काफ़ी सारा बचेगा। अगर पानी बचेगा तो फिर आने वाला भविष्य भी हमारा उज्जवल होगा। और अगर पानी को हम ऐसे ही नष्ट करते रहेंगे, ऐसे ही उसको बहाते रहेंगे, तो फिर हमारा सारा जीवन, आगे का जितना भी हमारा भविष्य है, वो सब खतरे में आ सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम इस जल संरक्षण दिवस पर हम यह शपथ लें, जल को हमें किसी भी हालत में बचाना है, इससे हमारा आने वाला भविष्य और उज्जवल होगा। आगे मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, जल को बचाने के लिए हमें अपना आने वाला भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहिए, जल को ना बहाएं। धन्यवाद।